हेलो दोस्तों, मैं गोल्डी चावला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा पहला वीडियो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी पे है और हम करने वाले हैं लाइट पेंटिंग। 1 2 3 इसमें हम यूज़ करने वाले हैं सोनी का A7 Mark IV कैमरा 16-35 लेंस के साथ, और की लाइट के लिए हम यूज़ करेंगे गुडॉक्स की AD200 फ्लैश विथ मॉडिफायर, एक ट्रिगर, और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे एक ट्राइपॉड। फोकस के लिए हम यूज़ करेंगे टॉर्च, लाइट पेंटिंग के लिए स्टील वूल और एक ट्यूब यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं और अब हम लोग सेटअप करके आपको लाइट पेंटिंग दिखाते हैं। दोस्तों, हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। ट्राइपॉड पे हमने कैमरा भी माउंट कर लिया है, स्टैंड पे हमारी AD200 की लाइट भी रेडी हो चुकी है। अब हम आपको अपने कैमरे की सेटिंग बताते हैं। हमने कैमरे का ISO रखा है 250 और अपर्चर रखा है f-stop 6.3, शटर स्पीड रखी है -2 पे। अब आपको हम लोग दिखाएंगे कैसे लाइट पेंटिंग की पहली फ़ोटो हम लोग शूट करने जा रहे हैं, तो बने रहिए। ये मॉडल हमारी यहाँ पे स्टैंड होगी और ये ट्यूब है, बिट्टू लाइट लाइए, इसको आप फिट कीजिए। ये ट्यूब लाइट है, इस पर हम लोग लाइट माउंट करेंगे। हाँ, लाइट लगाइए, दूसरी लाइट भी जी। पीछे आइए, पीछे आपको लाइट को ऐसे पकड़ना है, ऐसे रखना है यहाँ बैठ के, ठीक है, और ये आपको लाइट ऐसे घुमानी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और एक आपको पूरी दूसरी फोटो में ऐसे लाइट घुमानी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कैमरे की सेटिंग हमें मैनुअल फोकस पे ही रखनी है और टॉर्च लाइट मॉडल के ऊपर डाल के हमें मैनुअल फोकस कर लेना है। इसमें हमें ऑटो फोकस नहीं यूज़ करना है क्योंकि फोकस हंट होगा, इसीलिए हमेशा याद रखिए मैनुअल फोकस ही यूज़ करना है। 1 2 3 तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।